पवन सिंह का छठ गीत का फर्स्ट लुक आ चुका है, जिसमें से आपको पवन सिंह और चांदनी सिंह देखने को मिलेंगे। ये जो है ये छठ गीत का शूटिंग के दौरान लिया गया तस्वीर है, जिसमें से पवन सिंह और चांदनी सिंह नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो है यानी इस साल पवन सिंह का छठ गीत रिलीज हुआ भी नहीं, और पवन सिंह ने एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड क्या है चलिए आप लोग को बताते हैं। जैसे कि मैंने पोस्टर बनाया कि छठ गीत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, और सच में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, अभी छठ गीत जो है पवन सिंह का आया भी नहीं है, नया छठ गीत आया भी नहीं है, और छठ का माहौल अभी सजना शुरू हुआ है। जबकि पवन सिंह का छठ गीत जो है आपको कल शायद देखने को मिल जाए, या फिर आज शाम में टीजर पोस्टर कुछ भी रिलीज हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये हो चुका है कि पवन सिंह का एक पहले ही छठ गीत रिलीज हुआ था, जिसका नाम रखा गया था छठी मैया सुनली गुहार। लास्ट 28 डेज में 28 दिन में 13.3 मिलियन व्यूज इसमें आ गए हैं अभी, जबकि ये पुराना 2 साल पुराना छठ गीत है। और मात्र 28 दिन में जब आप लोग जाएंगे ग्लोबल चार्ट में चेक करेंगे तो ये 8वां पवन सिंह का जितना भी अभी गाना रिलीज हुआ है इस मंथ, यानी लास्ट 28 डेज में जितना ज़्यादा व्यूज़ गया उसमें से ये 8वां नंबर पर व्यूज़ में, जिसमें मात्र 28 डेज में 28 दिन में जो इसमें जो व्यूज़ आए हैं वो लगभग 1,33,00,000 व्यूज़ आ गए हैं, जबकि 2 साल पुराना छठ गीत है। और जब नया छठ गीत पवन सिंह रिलीज करेंगे तो किस प्रकार से बजेगा छठ गीत आप लोग सोच सकते हैं। जहाँ पे देखिए राजा जी जो है वो 14 मिलियन व्यूज़ आया इसमें, छठ गीत में जो है 13 मिलियन आया, और साथ में पांचे के नाचे अय्या में 12 मिलियन व्यूज़ आया है। लास्ट 28 दिन में ग्लोबल चार्ट में पवन सिंह गर्दा उड़ा रहे हैं, और साथ में ये बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। जैसे कि दुर्गा पूजा में कुछ ऐसा हुआ, पवन सिंह का एक देवी गीत था अड़हुल के फूल, जिसमें 36 मिलियन व्यूज़ आ गया, और वो भी पुराना देवी गीत था। तो पवन सिंह के पुराने गीत को भी लोग सर्च कर करके कितना ज़्यादा सुन रहे हैं, कितना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं आप लोग सोच सकते हैं। लेकिन वहीं पवन सिंह का जो पहला इस साल का छठ गीत आएगा वो चांदनी सिंह के साथ आएगा, जो आपको आज शाम तक टीजर पोस्टर देखने मिल सकता है रात तक, या फिर कल जो है कल टीजर पोस्टर या फिर गाना डायरेक्ट रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि तैयारी हो चुकी है और गाना बन चुका है, बस आप लोग के बीच जो है रिलीज होना है, क्योंकि अब ज्यादा समय है नहीं और आप पवन सिंह जल्दी अपना छठ गीत रिलीज करेंगे। वैसे पवन सिंह इस साल थोड़ा लेट हो चुके हैं, और पवन सिंह का इस साल आपको ज्यादा छठ गीत देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 छठ गीत ही देखने को मिलेगा, और कल से परसों तक जो है छठ गीत रिलीज हो जाएगा।